अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस शो में मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि कोई ना कोई मेडिसिन जो है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, उसके मैकेनिज्म, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके डिफरेंट ब्रेन आपसे जो है डिस्कस करूँ। बट कभी कभी मैं कुछ ऐसी नॉर्मल कंडीशन होती हैं, डिजीज़ होती हैं जो जिनका जानना या जिनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, उनको भी लेकर आती हूँ। तो आज एक ऐसा ही टॉपिक है, बहुत जनरल से टॉपिक है जो कि आई गेस हम लोग बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में, लेकिन उतना अमल इस पर होता नहीं जितना होना चाहिए। इट्स अबाउट द हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के क्या डेंजरस इफेक्ट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी पे, उसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि स्मोकिंग नॉट जस्ट सिगरेट, लेकिन आप किसी भी फॉर्म में उसको लेते हैं, आइदर इट्स थ्रू अ पाइप, इट्स थ्रू सिगार, वो हर फॉर्म में जो है आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है, हार्मफुल है। और स्मोकिंग में डिफरेंट जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं, एसीटोन होता है, टार होता है, निकोटीन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट या ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज़ हार्मफुल फॉर योर बॉडी। इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है विच कुड हैव सम पॉजिटिव इफेक्ट या कोई उसमें हार्म ना हो। तो इसके अलावा ये चीज़ होती है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो है वो आपके डिलेड आते हैं, यानी ओवर द ईयर्स आपको शुरू होते हैं शो होना सिम्टम्स, और कुछ होते हैं जो बहुत इमीडिएट इफ़ेक्ट्स होते हैं। बाकी ये है कि हमारा ज़्यादातर हम लोग को लगता है कि शायद इसके इफ़ेक्ट सिर्फ हमारे लंग्स में है, बट ऐसा नहीं होता, ये हमारी ओवरऑल बॉडी को अफेक्ट करता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि जो सिगरेट होती है उसमें अराउंड 600 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एंड व्हेन यू बर्न इट तो वो 7000 केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ देम आर पॉइजनस, एंड अराउंड 69 ऑफ देम आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, यानी कैंसर कॉज कर सकते हैं। इसमें से 69 इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं, और ये कैंसर सिर्फ लंग्स का नहीं होता, ये कैंसर आपका ईसोफेजियल भी हो सकता है, ये माउथ ओरल कैंसर भी हो सकता है। तो बेसिकली देयर आर अ लॉट ऑफ हैजर्ड्स ऑफ स्मोकिंग, और इसको स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और ये भी मैं डिस्कस करूँगी कि इसमें कुछ ऐसी ओवर द काउंटर मेडिसिन भी होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू क्विट इट, बट इतना ज़्यादा जो है वो मेडिसिनल इसमें जो है वो जिसे कहेंगे कि अफेक्ट नहीं होता, इसमें बहुत सारी अलग चीज़ें होती हैं, सेशंस होते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, तो थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहले इसके इफेक्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहला इसका इफेक्ट जो होता है वो आपके CNS पे होता है, यानी आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, आपका जो ब्रेन है उसके उस पर इफेक्ट होता है कि एज सून एज यू स्मोक, तो ये फौरन जो निकोटीन होता है बेसिकली वो आपके मूड को ऑल्टर करता है, वो आपको एनर्जाइज करता है, ठीक है। बट एज सून एज द इफेक्ट स्टार्ट्स वेयरिंग ऑफ, तो उसके बाद आपको जो है वो एक क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, यू वॉन्ट टू टेक इट मोर, इसीलिए इसको जो है वो हैबिट फॉर्मिंग या एडिक्शन कॉजिंग एजेंट कहा जाता है निकोटीन को। एंड व्हेन यू ट्राई टू क्विट इट, जब आप इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं तो उसके कुछ विड्रॉल इफेक्ट होते हैं, कुछ फिजिकल इफेक्ट्स आते हैं, कुछ आपके CNS पे आते हैं, जिसमें से बहुत कॉमन होता है आपकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, या बहुत स्लीपिंग इशूज़ होते हैं, हेडेक्स बहुत कॉमन होते हैं, एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो ये आपके ब्रेन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद इसका इफेक्ट जो होता है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत कॉमन होता है, जब आप स्मोक कर रहे हैं तो आप वो एजेंट अपने अंदर ले रहे हैं जो आपके लंग्स को डैमेज करता है। इससे बहुत डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एम्फाइसिमा होती है बहुत कॉमन, जिसमें डिस्ट्रक्शन होती है लंग्स की जो लाइनिंग होती है, या एल्वियोलाई जो होते हैं बेसिकली उसकी डिस्ट्रक्शन होती है लंग्स में, एल्वियोलाई को एयर सैक्स भी कहा जाता है, तो उसकी डिस्ट्रक्शन कॉज करता है एम्फाइसिमा। उसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है जो बेसिकली इन्फ्लेमेशन होती है, परमानेंट इन्फ्लेमेशन हो जाती है जो लाइनिंग ऑफ ब्रीदिंग ट्यूब्स को अफेक्ट करती है। COPD होता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर हो जाता है, या लंग कैंसर बहुत कॉमन देखने में आते हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बिकॉज आपका लंग डैमेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको अफेक्ट करती हैं। जब इसके विड्रॉल किया जाता है, जब इसको क्विट किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो उससे कुछ देखा जाता है कि म्यूकस की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, या जो है वो रेस्पिरेटरी इशू थोड़ा होने लगता है, कफ होने लगते हैं, तो इसका ये बेसिकली एक साइन होता है, इट्स अ गुड साइन कि हीलिंग हो रही है। तो जब विड्रॉ किया जाता है, आपके लंग्स अपने आप को हील करने लगते हैं, तो उससे म्यूकस फॉर्मेशन नॉर्मल से ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, विच इज़ अ गुड साइन। फिर आपका CVS आता है, यानी आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है, जिसमें आपका हार्ट होता है, और ये आपके एंटायर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है। निकोटीन जो है वो बेसिकली आपकी वेसल्स जो होती हैं उसको वीक करती है, आपकी जो ब्लड क्लॉट्स होती हैं उसकी फॉर्मेशन को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर हाई करती है, ब्लड वेसल्स को टाइट
टाइट करती है, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपका ब्लड फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्ट होता है। इससे बहुत ज़्यादा कॉमन चांसेस होते हैं स्ट्रोक होने के, और स्पेशली वो पेशेंट्स जिनका इन द रिसेंट जिनकी हिस्ट्री में जो है बाईपास सर्जरी हुई हो, या उनके हार्ट अटैक की जो है वो हिस्ट्री हो, या स्टंट डला हो, तो उस केसेस में ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। उसके अलावा ये जानना या ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इट्स नॉट ओनली अफेक्टिंग यू बट ऑल्सो द पीपल दैट आर अराउंड यू। तो सिर्फ एक्टिव स्मोकिंग ही हार्मफुल नहीं होती बट पैसिव भी, यानी जो आपके अराउंड है, आपके इर्द गिर्द हैं स्पेशली, और चिल्ड्रन, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। इसके बाद इसका इफेक्ट जो है वो हमारे इंटीग्रेटरी सिस्टम यानी हमारी स्किन पे, नेल्स पे, हेयर पे भी बहुत ज़्यादा होता है, जो शायद इतना लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती। बट वंस अ पर्सन स्टार्ट स्मोकिंग, या वो स्मोकिंग के जो है वो बहुत ज़्यादा जब यूज़ होता है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, तो उससे आपके स्किन के टेक्सचर में चेंज आने लगता है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के, यानी स्किन कैंसर के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उसके अलावा ये आपके नेल्स को भी इफेक्ट करता है, नेल फंगल्स जो होते हैं, फंगल जो है इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली कॉज हो जाते हैं इससे। उसके अलावा हेयर में ये होता है कि हेयर लॉस बहुत कॉमन होता है, बॉल्डिंग होती है, या जो है वो ग्रे हेयर्स जो होते हैं वो जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली आपके बालों को, आपकी स्किन को और आपके नेल्स को भी अफेक्ट करती है स्मोकिंग। उसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी बहुत हद तक इससे जो है वो अफेक्ट होता है। इसमें बहुत सारे व्हेन यू आर यूजिंग निकोटीन, व्हेन यू आर टेकिंग इन टोबैको, तो उससे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कैंसर्स हो सकते हैं, उससे माउथ कैंसर, उससे पैंक्रियाटिक कैंसर, उससे आपका ईसोफेजियल कैंसर होता है, लैरिंग्स का कैंसर हो सकता है, थ्रोट का कैंसर हो सकता है, थ्रू आउट द बॉडी, या आपकी बॉडी को थ्रू आउट द ट्रैक जो आपका होता है पूरा, उसको ये अफेक्ट करता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, यानी वो इंसुलिन जो आपकी बॉडी में बन रहा होता है उसको सेंस नहीं कर पाती, उसको रेजिस्ट करती है, और इस तरह से टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इफ़ यू हैव बीन यूजिंग टोबैको फॉर क्वाइट अ व्हाइल। ये आपके हैज़र्ड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इफ़ यू वांट टू क्विट स्मोकिंग तो उसके क्या वेज हो सकते हैं, किस तरह से आप क्विट कर सकते हैं। पहली चीज़ ये होती है कि बेसिकली इसमें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जाती है, जिसको जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होती है, जिसमें आपके सबसे पहले जो है आपके निकोटीन के पैचेस होते हैं, ये ओवर द काउंटर निकोटीन पैचेस आते हैं, गम्स होते हैं, लोसेंजेस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं। फिर प्रिस्क्रिप्शन निकोटीन होती है, जिसमें नेजल स्प्रेज या इनहेलर्स होते हैं, उसका यूज़ किया जाता है। एंड देन देयर आर सम अदर मेडिसिन एज वेल जो स्मोकिंग आइदर उसके विड्रॉल इफेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, या उसको किसी हद तक जो है जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं निकोटीन रिसेप्टर्स, उसको उस पर एक्ट करके जो है वो आपको हेल्प आउट करती है। इसको हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पर उसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर वेज एज वेल, जो भी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है यू नीड टू, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि यू नीड टू स्मोक, तो उस चीज़ से यू नीड टू डिस्टेंस योर सेल्फ, आपको उससे अपने आप को दूर रखना है। ऐसी आपकी कंपनी है जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे हाँ मैं अगर इन लोगों से मिलूँगा तो यहाँ पे स्मोकिंग होगी, तो ट्राई टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दोज पीपल। उसके अलावा यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए हार्मफुल नहीं है, ये आपकी फैमिली के लिए हार्मफुल है। अभी आपको इसका शायद कोई इफेक्ट सामने नहीं आ रहा, बट ओवर द ईयर्स लॉन्ग टर्म में इसके बॉडी पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। आपको इफ़ यू फील लाइक यू नीड टू टेक सेशंस फॉर इट, गो फॉर इट। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं, बात कीजिए इस बारे में, थेरेपी लेनी है थेरेपी लें, बट यू शुड नो कि इट इज़ वेरी हार्मफुल, अगेन नॉट जस्ट फॉर योर लंग्स, नॉट जस्ट फॉर योर थ्रोट, बट फॉर ऑल ओवर द बॉडी। इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइंस आते हैं। अब थोड़ा सा मेडिसिन को डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमनली मेडिसिन कौन सी यूज़ होती हैं, बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि हर पेशेंट डिफरेंट होता है, हर पेशेंट की ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है, और अगर आपको इसके लिए मेडिसिन यूज़ करनी है सो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। आप खुद से कोई मेडिसिन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस कि मेडिसिन किस तरह से और कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले जो एक बहुत कॉमन मेडिसिन होती है चेंटिक्स के नेम से होती है, ये बेसिकली करती क्या है कि ये जो आपके निकोटीन रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ इंटरफेयर करती है और दो तरह से एक्ट करती है। पहली चीज़ ये होती है कि जो निकोटीन का एक जैसे कहेंगे कि आपको क्रेविंग
पेन जो करवाता है या उसका जो एक प्लेजर जो मिलता है उसको लेसन करती है, यानी व्हेन यू स्मोक यू डोंट फील दैट प्लेजर जो आपको पहले फील होता था ड्यू टू दिस मेडिसिन। दूसरी चीज़ ये होता है कि जो विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं कि व्हेन यू क्विट स्मोकिंग तो उसके बहुत सारे इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं विड्रॉ के, तो वो विड्रॉल इफेक्ट्स उनको कम करते हैं ये मेडिसिन। बेसिकली मेडिसिन ली जाती हैं एक मंथ अ मंथ प्रायर टू व्हेन यू स्टॉप टेकिंग व्हेन यू स्टॉप और क्विट स्मोकिंग, उससे एक मंथ पहले से ही स्टार्ट कर दी जाती है और मील से पहले ली जाती है, और उसके अलावा 12 वीक्स का इसका एक कोर्स होता है। बट अगेन वही बात है कि योर फिजिशियन इज़ गोइंग टू टेल यू कि आपको कब लेनी है, किस तरह लेनी है और कितना इसका कोर्स आपको करना है। सो ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग दिस और एनी अदर मेडिसिन एज वेल। हर मेडिसिन की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स आपको बताते हैं इसके। इसके साइड इफेक्ट्स आपके पास सबसे कॉमन जो होते हैं वो स्लीपिंग इशूज़ आ सकते हैं, उसके अलावा नौजिया, वॉमिटिंग या आपके जो हेडेक्स होते हैं, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होती है, स्टमक के कुछ इशूज़ आ सकते हैं, फ्लैटुलेंस वगैरह इसमें बहुत देखी जाती है, स्किन रैशेस होते हैं और सीजर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अगर एडवर्स हो जाए तो उसमें ये भी देखा जाता है। हार्ट के कुछ इशूज़ भी देखे जाते हैं ब्लड वेसल्स के, और उसके अलावा मूड चेंजेस तो डेफिनेटली होते हैं व्हेन यू आर क्विटिंग स्मोकिंग, और फिर आप उसके लिए मेडिसिन भी ले रहे हैं जो कि निकोटीन रिसेप्टर्स से आपके जो है वो इंटरफेरेंस कर रही है, तो उसमें डेफिनेटली मूड स्विंग्स या मूड चेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा देखे जाएंगे। डिल्यूजन्स बहुत कॉमन है, डिप्रेशन बहुत कॉमन है, हेलुसिनेशंस, एग्रेशन ये बहुत कॉमन पेशेंट में देखा जाता है व्हेन दे आर टेकिंग दिस मेडिसिन। फिर एक और मेडिसिन होती है जो यूजुअली जो आपके हमने टेंडेक्स की बात की उसके साथ ही उसके कोर्स किया जाता है, वो ब्यूप्रोप्रायोन होती है जो कि इट्स एन एंटी डिप्रेसेंट और ये आपकी एक्सटेंडेड रिलीज मेडिसिन होती है। ये भी अगेन दो तरह से वर्क करती है, ये आपकी क्रेविंग्स को रिड्यूस करती है और आपके जो निकोटीन विड्रॉल इफेक्ट होते हैं उसको उस पर एक्ट करती है, उसमें आपको हेल्प आउट करती है। इसके भी साइड इफेक्ट्स कुछ हो सकते हैं जो यूजुअली सबसे ज़्यादा आपके अगेन वही आपके मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं, एनजाइटी, एजिटेशन ये सब फील करना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, उसके अलावा ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन एंड देन स्टफी नोज, ट्रबल स्लीपिंग, ये सारे इशूज़ जो है एज साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। वेसल्स वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह में आपके चेंजेस आती हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, सीजर्स हो सकते हैं, दीज आर बेसिकली द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस मेडिसिन। उसके अलावा एक और एंटी डिप्रेसेंट आपके पास होते हैं नॉर्ट्रिप्टाइलिन के नाम से, वो भी ली जाती है, उसको भी उसकी भी एज अ थेरेपी यूज़ किया जाता है उसको, उसके साइड इफेक्ट्स आपके पास अगेन वही ड्राई माउथ होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, ट्रबल स्लीपिंग होती है, फास्ट आपकी हार्ट रेट जो होती है वो बढ़ जाती है, उसके अलावा आपका जो वेट गेन या वेट पे इस पर इफेक्ट आ सकता है, वेट गेन या लॉस कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन है। सो बेसिकली ये कुछ इफेक्ट्स होते हैं, और हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी आप कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं स्पेशली एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह या एनजाइटी वगैरह के लिए, तो आप कोई भी ऐसा टास्क ना करें जिसमें आपकी जो है वो थिंकिंग या आपकी जो है वो फोकस आपको करना बहुत ज़रूरी है, लाइक ड्राइविंग या कोई मशीनरी ऑपरेट करना, तो ये उस केस में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है आपके फोकस को डाइवर्ट कर सकती है या किसी ना किसी तरह से जो है वो इट कुड कॉज यू हार्म। सो बेसिकली मैंने बहुत कॉमन मेडिसिन का आपसे जिक्र किया है, उसके अलावा और भी अगेन मैं वही कहूँगी थेरेपी डिफर कर सकती है पर्सन टू पर्सन, इट कुड वेरी और दैट डिपेंड्स ऑन योर कंसल्टेंट, योर फिजिशियन, कि वो आपकी कंडीशंस को देख के आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। सो बेसिकली आज के लिए इतना ही था, और अगेन विद द सेम मैसेज कि यू नीड टू क्विट स्मोकिंग बिकॉज इट्स नॉट जस्ट हार्मफुल फॉर यू, इट डेफिनेटली इज़ हार्मफुल फॉर योर फैमिली एज वेल, और ये जो भी आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं उन सबको अफेक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।